गाजियाबाद में धोखाधड़ी का मामला और नटवरलाल ने करोड़ों का चूना लगाया और सस्ती कार बेचने के नाम पर इस शख्स ने धोखाधड़ी की लोगों के साथ। इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज हो चुकी है, गाजियाबाद पुलिस तलाश रही है, नटवरलाल फरार बताया जा रहा है। आरोपी का नाम डॉक्टर सुमेश राजवर्धन है। हैरानी की बात यह है कि इस शख्स के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ और बड़े बड़े नेताओं के साथ बकायदा तस्वीरें तक हैं। अब सवाल यह है कि कब ये नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त में आएगा। सस्ती कार बेचने के नाम पर बताया जा रहा है कि इसने कई लोगों को चूना लगाया है। इंदिरापुरम थाने में बकायदा FIR दर्ज हो चुकी है और नटवरलाल फरार बताया जा रहा है। ये FIR की कॉपी आपके सामने है। आरोपी का नाम डॉक्टर सुमेश राजवर्धन बताया जा रहा है, जो कि गाजियाबाद पुलिस इस वक्त राजवर्धन की तलाश में जुटी हुई है। और राजवर्धन मोटर्स के नाम से ये फर्म चलाता था। ये आरोपी की तस्वीरें बताई जा रही हैं जो आपके सामने FIR बकायदा इस FIR में जो वाक्य और जिस तरह का मामला सामने आया है उसमें सस्ती कार दिलाने के नाम पर इस शख्स ने एक के बाद एक कई लोगों को अपने झांसे में लिया और करोड़ों रुपए का चूना लोगों को लगा के फरार हो गया। और इस FIR में दर्ज बकायदा आरोपी का नाम जो कि राजवर्धन बताया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि सस्ती कार दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाया। ये FIR की कॉपी आपके सामने और ये तस्वीरें जो आरोपी की सामने आई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कई कई लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए एक एक शख्स से लिए गए हैं और अभी महज कुछ लोग ही सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये धोखाधड़ी का मामला करोड़ों से कई ज्यादा हो सकता है, क्योंकि महज अभी कुछ लोग ही सामने आए हैं। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर जहां पर नटवरलाल ने करोड़ों का चूना लगाया। अब सवाल ये कि आखिरकार पुलिस इस शख्स को कब तक गिरफ्तार करेगी। अब FIR दर्ज हो चुकी है जिसमें कई पीड़ित लोगों ने बकायदा तहरीर देकर FIR दर्ज करवाई है और बकायदा ये कहा है कि उनसे एडवांस में कई लाख रुपए ले लिए गए और अब इन लोगों की तादाद जो कि पीड़ित लोग हैं उनकी तादाद और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल FIR में जो दर्ज है वाक्या वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन नटवरलाल ने करोड़ों का चूना लोगों को लगाया और वो फरार बताया जा रहा है।